तो मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, तमाम सुविधाओं का अभाव यहां पर दिखाई दे रहा है, सुविधाओं के नाम पर चूना लगाया जा रहा है प्रशासन को। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, सेंटर में बिजली पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है। तो गोलाचीका से बड़ी और अहम जानकारी, कोविड केयर सेंटर के तमाम इंतजामों की पोल खुली है, तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम सुविधाओं की बात कही जाती है, लेकिन सुविधाओं का अभाव यहां पर नजर आ रहा है और मरीजों का सीधे तौर पर आरोप है कि खाने में भी भोजन में भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टॉयलेट्स नहीं है, बिजली पानी नहीं है सुविधा केंद्र पर। तो मरीजों ने भोजन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंटरन्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, रेवाड़ी में हुआ है कोरोना का विस्फोट, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दी। 24 घंटे में फिर मिले हैं 61 नए संक्रमित, कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो गई है, कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 हुई है और जिले में कोरोना का आंकड़ा 3658 हुआ है। जिले में 489 एक्टिव केस हैं और साथ ही 3145 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिले में कोरोना का आंकड़ा 3658 हुआ है और लगातार आंकड़ों में इजाफा। तो रेवाड़ी में हुआ है कोरोना का विस्फोट, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 24 घंटे में फिर मिले हैं 61 नए संक्रमित, तो कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत भी हो गई है, बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 हुई है और लगातार तेजी से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी, ताजा आंकड़े क्या है? आपकी देखिए, लगातार रेवाड़ी के अंदर जो कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन 50 से 60 बल्कि ज्यादा ही इसे संक्रमित लोगों का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। अब ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो 61 नए मामले आए और एक संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई। अब मरने वालों का आंकड़ा भी जो है वो 24 तक जा पहुंचा है और 3600 का आंकड़ा जो है कुल मिलाकर संख्या का वो पार हो चुका है। अब ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण से ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब प्रशासन ने भी कड़ा रुख इख्तियार करते हुए पुलिस को भी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो घर के अंदर आइसोलेट है और वह बाहर सड़कों पर खुले में घूमता हुआ नजर आता है तो तुरंत उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। श्याम, सीधे तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, अनलॉक 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, उसमें प्रवेश कर लिया हमने, तमाम चीजों पर छूट दी जा रही है, लेकिन आम जनता क्या वाकई जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है और यही वजह है कि तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है या फिर टेस्टिंग की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कुछ तो लोगों की लापरवाही की, वो बाजारों में बेवजह घूमते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, खुद संक्रमित होते हैं और दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अब उद्योग धंधे खुल चुके हैं, रेवाड़ी के साथ लगता औद्योगिक कस्बा बावल और धारवाड़ा, जहाँ की बाहर के कर्मचारी इन कंपनीज में इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं और इंडस्ट्रीज को पहले ही आगाह किया गया था प्रशासन की तरफ से कि बाहर का कर्मचारी यदि आपके पास आता है, ऑन ड्यूटी आता है, क्योंकि पहले सब वापिस चले गए थे, जितने भी बिहार आसाम से जो मजदूर थे, लेबर थे, वो सब चले गए थे, अब वापिस आना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में जो उद्योगपति है उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उनको एंट्री देने से पहले उनका टेस्ट कराया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा और शायद यही कारण है जो औद्योगिक कस्बा धारवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो है इस समय वहां से आ रहे हैं और शहर में भी अब मरने वालों का आंकड़ा जो है स्वास्थ्य विभाग की चिंता को कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा रहा है और लोगों को अब और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पिहोवा किसान विश्राम गृह पर प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी नेताओं को प्राइवेट अस्पताल में पूरी सुविधा मिल रही है जबकि आम पब्लिक को सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिल रही। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों का कोरोना फंड लेकर चुप्पी साध ली है, आम लोगों को केंद्र की तरफ से इलाज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई।
तो सरकारी अस्पतालों में नहीं है इलाज की सुविधा। मैं हरियाणा की खट्टर सरकार और देश में मोदी सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने में औंधे मुंह गिरी है, बुरी तरह नाकामयाब हुई है। संक्षिप्त में उसकी और संक्षिप्त में सेवा ही संकल्प अभियान की चर्चा करने के लिए हम सारे साथी, अमन चीमा जी, धनतोड़ी साहब, सब साथी हम आपके बीच में हाजिर हुए। देश में कोरोना संक्रमण लगता है कि इसी हफ्ते में 40 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। आज कोरोना संक्रमण के कुल केसेस हिंदुस्तान में 79,000 का आंकड़ा पार कर गए। हरियाणा प्रांत खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के मद्देनजर देश भर में 7 सितंबर से मेट्रो शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। इस एसओपी में कहा गया है कि मेट्रो सेवाएं 3 फेज में शुरू की जाएगी। साथ ही इसमें मेट्रो की टाइमिंग्स की भी बात बताई गई है। पहले चरण में 1 से 7 सितंबर समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक येलो लाइन चलाई जाएगी। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो दूसरी लाइन है वो भी 2 से 9 सितंबर में ब्लू पिंक और गुरुग्राम लाइन शुरू होगी, जबकि तीसरे चरण में 3 से 10 सितंबर गाजियाबाद से रिठाला तक रेड लाइन, बहादुरगढ़ लाइन और साथ ही फरीदाबाद लाइन चालू होगी। मेट्रो में सफर के दौरान मास्क पहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले मरीज ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 10 सितंबर से मेट्रो चलेगी और 2 शिफ्टों में मेट्रो को चलाया जाएगा। तो मेट्रो सेवाएं 3 फेज में शुरू की जाएगी। देश भर में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। मेट्रो संचालन ने एसओपी भी जारी कर दिया गया है और 3 चरणों में यानी कि 3 फेज में मेट्रो को शुरू किया जाएगा। हालांकि हरियाणा के फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 10 सितंबर से यहां पर मेट्रो की शुरुआत होगी, यानी कि मेट्रो शुरू की जाएगी, संचालन उसका शुरू हो जाएगा एक बार फिर से। तो 3 फेज में शुरू की जाएगी मेट्रो। तो मेट्रो संचालन एसओपी ने भी जारी कर दिया है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और साथ ही गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भारद्वाज, सबसे पहले हम आपके पास जाना चाहेंगे। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, 3 फेजों में मेट्रो शुरू की जा रही है और कहा जा सकता है कि मेट्रो का सभी को इंतजार था कि आखिर कोरोना के बाद किस तरीके से जो मेट्रो सेवा है दोबारा से शुरू होती है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को आ रही थी, लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो कितनी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब अनलॉक 4 के में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलाने का जो योजना शुरू करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ट्रांसपोर्ट को लेकर जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी और कोरोना वायरस के चलते मेट्रो को बंद किया गया था, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 4 में ये कहा गया है कि मेट्रो चलाई जाएगी, लेकिन एहतियात और सावधानी बरतनी जरूरी होगी और तमाम जो लोग उसमें बैठेंगे सभी मास्क लगाकर बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके अलावा जब मेट्रो में प्रवेश किया जाएगा तो सैनिटाइज भी किया जाएगा और मेट्रो को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच अनलॉक 4 में क्योंकि कोशिश सरकार की ये भी है कि जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी थी उस अर्थव्यवस्था को एक बार दोबारा से पटरी पर लाया जाए, तो कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि अब अनलॉक 4 में उन तमाम पहलुओं को जिन पर उम्मीद लगी हुई थी, संभावनाएं थी कि मेट्रो को शुरू किया जाएगा, तो उसमें एक चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को शुरू किया जाएगा। और जिस तरह से गुरुग्राम में तमाम क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों की बड़ी संख्या है और कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे इस पूरे अनलॉक 4 के अंदर चरणबद्ध तरीके से कई चीज़ों को खोलने का निर्णय लिया है जिसमें मेट्रो महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। और वही फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 10 सितंबर से यानी कि कहा जा सकता है कि तीसरे चरण में 3 फेजेस में जो मेट्रो है उसका संचालन शुरू किया जा रहा है। तीसरे फेजेस में यानी कि तीसरे फेज में फरीदाबाद से जो मेट्रो सेवा है वो शुरू होगी, किस तरीके के इंतजाम?
प्रीति बिल्कुल देखिए, लंबे इंतजार के बाद करीब 5.5 महीने बाद जो DMRC है उसकी तरफ से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा 7 सितंबर से, और यात्रियों के लिए अब मेट्रो ट्रेन के दरवाजे 7 सितंबर से खुलने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में अगर बात करें तो ये मेट्रो का संचालन 3 चरणों में होगा। चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू किया जाएगा 7 तारीख से शुरू कर 7 सितंबर से, और ये 12 सितंबर के बीच में अलग अलग 3 स्टेज बनाए गए हैं। तो पहले स्टेज में 7, 9 और 10 तारीख से मेट्रो का संचालन शुरू होगा अलग अलग रेड लाइन या येलो लाइन या मजेंटा लाइन पर। तो फरीदाबाद में 10 सितंबर से ये मेट्रो का संचालन होगा, और शुरुआत में ये जो संचालन होगा वो 2 वक्त पर होगा, सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक रहेगा, उसके बाद में 4 बजे से और 8 बजे शाम तक चलेगी। तो इसके कह सकते हैं कि जो पीक आवर्स हैं उसमें काफी लोगों का आना जाना रहता है, तो इस सुविधा को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए ये सुविधा मेट्रो की तरफ से DMRC की तरफ से दी जा रही है। लेकिन इस बीच में जो अनुज दयाल हैं DMRC की तरफ से, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि पूरी के साथ में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, और इसके लिए DMRC को एक के लिए ये कड़ी चुनौती भी है, चूंकि सुरक्षा के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी है। चूंकि हम देखते हैं कि जब मेट्रो में यात्री सफर करते हैं तो मेट्रो स्टेशन पर उनकी सुरक्षा को लेकर भी बेहद जो CISF लगाई गई है वो सतर्कता बरती है, और इस बीच में अब ऐसे में चूंकि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किसी भी यात्री को हाथ से छूने की मनाही होगी, तो ऐसे में एक सुरक्षा बड़ी चुनौती रहेगी। इस बीच में गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो उनकी मशीनों के द्वारा ही उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बाकायदा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई गई तो फैसले पर दोबारा से विचार भी किया जा सकता है। तो ये यात्रियों को बड़ा बेहद ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अगर मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। इसके साथ साथ में आपको मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, अगर आप बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहां आपको मेट्रो स्टेशन से ही मास्क मिलेगा लेकिन खरीदना पड़ेगा, और वो मास्क आपको वहां महंगा भी मिल सकता है। तो इसलिए सभी यात्रियों से DMRC ने अनुरोध किया है कि वो मास्क लगाकर जाएं। इसके साथ साथ में जो कैमरे हैं वो CCTV कैमरे से मेट्रो ट्रेन के अंदर यात्रियों की निगरानी रखी जाएगी, और अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो अगले स्टेशन पर उस यात्री को उतारा भी जा सकता है। इसके साथ साथ में अगर कोई किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए भी बाकायदा CISF को कह दिया गया है, CISF को, कि वो पूरी तरह से यात्रियों की निगरानी रहे। इसके साथ साथ अगर मेट्रो स्टेशन पर बात करें तो देखिए कंटेनमेंट क्षेत्र में अगर कोई मेट्रो स्टेशन आता है तो वहां मेट्रो ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलेंगे, यानी कि वहां मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी। लेकिन फरीदाबाद में तमाम सावधानियां जो है वो बरतनी पड़ेगी। देवेंद्र, अगर हम बात करें गुरुग्राम में पहले चरण से ही जो मेट्रो सेवा है वो हुडा सिटी सेंट्रल के लिए शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार जो तब्दीली है वो समय में हम देख पा रहे हैं, टाइमिंग्स में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अब एक कोच में एक डिब्बे में 50 तक ही जो यात्री है वो सफर कर पाएंगे। गेट की अगर हम बात करें, तमाम गेट जिस तरीके से पहले खोले जाते थे अब उन गेट की संख्या को भी कम किया गया है, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील करते हैं, तो उस दौरान इन तमाम पहलुओं को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कोशिश यही है कि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित तौर पर हो, लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, और यही कारण है कि अब जब मेट्रो शुरू हो रही है, क्योंकि जब बस भी शुरू की गई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि एक सीट छोड़कर एक सीट पर सवारी बैठेगी, और तो यही यहां पर भी रूल्स कहीं ना कहीं लागू किए जाएंगे कि मेट्रो के अंदर जो संख्या है वो निश्चित की गई है, और जिस तरह से पहले लोग बैठते थे तो अब सीट के ऊपर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सीट छोड़कर एक व्यक्ति बैठेगा, यानी कि 2 गज की दूरी निश्चित तौर पर अपनाई जाएगी। और कोशिश यही है, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपने एक बार फिर पैर पसार रहा है, लोग लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो अब ज़रूरी ये भी हो जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात और ये सावधानी भी बरतनी है। दूसरी तरफ जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की ये भी हो जाती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है उसे एक बार फिर से लाना है, और ये संसाधन और ये तमाम बाजार, चाहे मॉल्स हों, बाजार हों, उनको सबको खोलना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे फरीदाबाद की, अगर हम बात करें 10 सितंबर से जो यहां पर है वो मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन टाइमिंग्स की अगर हम बात करें, सुबह 7 से 12 और 4 से 8 की टाइमिंग्स रखा गया है, लोगों को इस ओर खासा ध्यान देना पड़ेगा।
बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर से देखिए जो शुरुआती चरण है उसमें कहीं ना कहीं ये वक्त निर्धारित किया गया है कि सुबह 7 से 12 के बीच में चलेगी और शाम को 4 से 8 के बीच में चलेगी। लेकिन इस बीच में एक जो यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना वो ये है कि आप टोकन लेकर अभी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। जिनके पास में स्मार्ट कार्ड होंगे केवल वही शुरुआती चरण में उससे सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है और इस बीच में यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि आप सुबह 7 बजे से, चूंकि पहले मेट्रो का जो संचालन होता था वो 6 बजे से शुरू होती थी और रात के 11 बजे तक होती थी, लेकिन इस बीच में बदलाव किया गया। और ये बदलाव इसलिए क्योंकि पीक आवर्स में लोगों की जो डिमांड थी पिछले काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे, दिल्ली NCR का हिस्सा है और काफी संख्या में लोग फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं और ऐसे में जो कन्वेंस नहीं है उनके पास में, बसें नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में उनके लिए खुशी की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि सुबह 7 बजे से और 12 बजे के बीच में ही भी आप जा सकते हैं या आ सकते हैं। इसके बाद में आपको बीच में जो वक्त रखा गया है वो सैनिटाइजेशन के लिए रखा गया है, जितनी भी तमाम ट्रेनें हैं उनको बीच में सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में शुरुआत की जाएगी और ये सब शुरुआती दौर में एक ट्रायल के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन सेकंड जैसे ही दूसरा चरण शुरू होगा 11 तारीख से उसमें उस टाइमिंग को बढ़ाया गया है और उसके बाद में जब 12 सितंबर को अगला तीसरा स्टेज शुरू होगा, चूंकि चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन होना है, तो ऐसे में फिर पूरी तरह से टाइमिंग की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। जैसे 5.5 महीने पहले ट्रेनें चलती थी तो उसी समय से चलेंगी ट्रेनें और सभी तमाम जितनी भी लाइनें हैं उन सभी तमाम लाइनों पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ख्याल रखने की जरूरत है यात्रियों को भी। देवेंद्र आपका शुक्रिया। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक जुड़े हुए थे और गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक्स। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में सामने आए 82,860 नए केस, 1,026 मरीजों की मौत, संक्रमित का आंकड़ा 38.5 लाख के पार, एक्टिव केस 8 लाख के पार। प्रदेश में एक दिन में मिले 1,792 नए केस, 15 मरीजों ने गवाई जान, मरीजों की संख्या हुई 68,000 के पार, एक्टिव केस 12,500 से ज्यादा।